22 दिन अनशन पे बैठने के बाद विभाग का प्रतिदिन लगा रहे हैं चक्कर, दर्जनों से अधिक विभाग को भेज चुके हैं आवेदन। नीतीश कुमार से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तेजस्वी यादव, के पाठक तक आवेदन भेजने वाले शख्स हमारे साथ हैं। उनसे हम जुड़ेंगे और जानेंगे क्या है मामला उनका, जो वो काफ़ी परेशान है और वो लगातार आवेदन दे रहे हैं और वो कह रहे हैं अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम अपनी जान भी दे देंगे। तो हम जुड़ते हैं उन शख्स से और जानते हैं क्या है पूरा मामला। बताइए क्या मामला है, आपने तकरीबन दर्जनों विभाग को आवेदन दिया है। मेरा दो काम किए हैं, एक बिजवार में काम किए, एक महसकुट पतला में सरकारी काम किए, बिजवार में प्राइवेट काम किए। दोनों जगह मेरा सामान माल लूट लिया है, मजदूरी नहीं दिया है, उसके बाद घटिया मटेरियल लगाया है। घटिया मटेरियल लगाते समय हमने रंजन सिंह को शिकायत की कि मैं मटेरियल अच्छा लगाइए, इसमें बीम लगा, बोला चुपचाप काम करो। मैंने एसडीओ साहब को चोरी भी पकड़ाए, एसडीओ साहब से बार बार बात भी की है, उसका रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। स्कूल में कोई जांच नहीं है, स्कूल गिर जाएगा, स्कूल को बारीकी से जाँच किया जाए। मैंने के साहब, पाठक साहब को आवेदन लिखा हूँ, प्रधानमंत्री को लिखा हूँ, मुख्यमंत्री साहब को लिखा हूँ, तेजस्वी यादव को लिखा हूँ, खगड़िया डीएम, एसपी, कलेक्टर, सहरसा एसपी, कलेक्टर, डीएम सबके पास गए हैं लेके आवेदन, मेरा कहीं फरियाद नहीं क्या हुआ। मांग है आपका? मेरा मांग है मेरा मजदूरी मिल जाए, मेरा नापी हो जाए और स्कूल को बारीकी से दोनों जगह जांच किया जाए कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, मैटर क्या है। इस आदमी के साथ 6 आदमी लगा है, 6 आदमी मुझे मारने की पूरा प्रयास लगा रहा है। अनशन से 22 दिन बैठने के बाद मुझे आरओ साहब ने उठा दिया, सीओ से बोला ऊपर से आदेश है, सब साहब का आदेश है, तुम्हें उठना ही पड़ेगा हर हालत में, घिसाट करके उठाया है। जो मेरी बीवी का ऑपरेशन था उसका ऑपरेशन दर्द हो रहा है, मुझे भी घिसियाया गया 22 दिन तक, और ये सब मुझे जीने नहीं देगा सर। मैं कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहा हूँ लेकिन मेरा कोई फरियाद नहीं है। एसडीओ साहब बोलता है इसका सब समाधान निकल गया, तो कहाँ निकला है मुझे बताया जाए, एसडीओ साहब के द्वारा, सीओ साहब के द्वारा बताया जाए कि मेरा काम कहाँ हुआ, मुझे नापी कहाँ मिला है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद कलाम हुआ है सर। नहीं होगा तो हम जाके मुख्यमंत्री आवास के सामने मैं वहाँ सो जाऊँगा, वहाँ गोली मारेगा तो मारेगा, मैं वहीं मर जाऊँगा लेकिन मैं उठूँगा नहीं। आपने सुना वृद्ध का दर्द और इन्होंने तकरीबन दर्जनों विभाग में आवेदन दिया है और लगातार ये अनशन पे भी 22 दिन बैठे हुए थे और जिला मुख्यालय से लेकर राज्य मुख्यालय तक सभी जगह इन्होंने आवेदन दिया है। आपने इनकी जुबानी सुना, अब आगे देखना बेहद दिलचस्प होगा, ये जो आवेदन दिया गया है इस आवेदन पे जिला से लेकर राज्य स्तर तक क्या संज्ञान लिया जाता है और इनका जो मामला है कब तक इनका मामला हल हो पाता है। नजरिया न्यूज से मोहम्मद अजहरुद्दीन, सहरसा।